बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपना ख्याल भी रखते होंगे, और हाँ, हैंड वॉशिंग तो मस्ट करते होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने पढ़ा था मसवतों के बारे में। मसवते होते हैं, मैंने आपको बताया, ऐसे हरूफ जो दूसरों से मिलके नए अल्फाज बना देते हों, जैसे अलिफ, वाओ, छोटिये और बड़िए। बाकी भी हरूफ जो मिलके नए अल्फाज बनते हैं, लेकिन ये हैं मसवते, इनको हम बोलते हैं। कौन कौन से मसवते हैं? अलिफ, वाओ, छोटिये और बड़िए। और मैंने बोला था ये जो है आपने इनमें कलरिंग करनी है तो एक न्यू पिक्चर बन जाएगी। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू और नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 6। सो हरीली ओपन योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 6, क्योंकि पेज नंबर 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं शरारती हरूफ। शरारत वो हम जो खुद से काम कर लें वही अब दूसरा करे, तो ऐसे मीन्स की शरारतों में काउंट होते हैं अच्छे बुरे काम। तो ये शरारती हरूफ, इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये स्टार्ट में आते हैं तो किसी को भी अपने साथ नहीं मिलाते। जैसे विनर्स हो जाए ना, कोई बंदा विनर हो तो खुद से सेलिब्रेट करे, जब लूज़र बन जाए तो दूसरों के साथ बोलेंगे नहीं हम भी अच्छे, हमें भी साथ मिला लो, हमें भी साथ छोटा सा कर लो। इनका यही हिसाब कर लें कि जब ये स्टार्ट में आते हैं, जब ये विनर्स होते हैं तो खुद अकेले रहते हैं, किसी को अपने साथ नहीं मिलाते। जैसे हरूफ के एंड में जाते हैं तो सभी के साथ मिल जाते हैं। देखो ये कौन कौन से हैं, हम नौ शरारती हरूफ हैं, मीन्स के ये नौ हैं, कितने हैं? नौ हैं, नाइन। मीन्स हम नौ शरारती हरूफ हैं, हम अपने से पहले आने वाले हरूफ से मिलते हैं, बाद में आने वाले हरूफ से नहीं मिलते। कौन कौन से हैं इसमें? अलिफ है, वाओ है, दाल की पूरी फैमिली है, ठीक है, ये देखो दाल की पूरी फैमिली, रे की पूरी फैमिली, वाओ और अलिफ। कौन कौन से हैं? दाल की पूरी फैमिली है उसमें, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, वाओ और अलिफ। अलिफ, वाओ, दाल की पूरी फैमिली और रे की पूरी फैमिली, तो ये कितने हो जाते हैं? नौ हैं। जैसे देखो अलिफ है ना, अलिफ स्टार्ट में आएगा तो किसी को साथ में नहीं मिलाएगा, बाद में आएगा फ़ौरन से साथ मिल जाएगा। बे देखो, बे के बाद में आया तो बे के साथ फट से जुड़ गया, ठीक है, बे अलिफ बा बन गया। हमने कभी भी आपने बा ऐसे लिखे, अब ऐसे लिखना हो, अब अलिफ को साथ ही ऐसे जोड़ लें, जैसे देखो ये लब बन गया, तो ऐसे नहीं होता। बे के बाद में अगर अलिफ आएगा, किसी के बाद में अगर अलिफ आएगा तो साथ जुड़ जाएगा, अगर स्टार्ट में आएगा तो नहीं। जैसे देखो ये दाल है ना, दाल के साथ आएगा अगर कोई भी लफ्ज़ बोले मुझे, जैसे कोई मिलता जुलता हो, दाल, वाओ, दाल नहीं, दाल दरवाज़ा है ना, अगर रे भी उसके साथ आ रहा है, दाल दरख्त, रे, हे, ते, दाल के बाद रे है तो रे भी शरारती है एकदम से, उसने दाल को भी अपने साथ नहीं मिलाया, ठीक है। दाल उसके बाद देखें रे है, अगर कर हमने लिखना है, ठीक है, कर हम कैसे लिखेंगे? क्याफ, ठीक है, और रे, दो हरूफ है ना, अगर रे स्टार्ट में आ जाएगी तो क्याफ को अपने साथ नहीं जोड़ेगी, क्या लफ्ज बन जाएगा? रुक। इसी तरह अगर क्याफ स्टार्ट में आ गई है तो रे फट से साथ जुड़ जाएगी, क्या लफ्ज बन जाएगा? कर। ये मीन्स कि आपने देखना है कौन से शरारती हरूफ हैं जो स्टार्ट में आए तो अपने साथ किसी को नहीं जोड़ते, लेकिन आखिर में जाएं तो साथ खुद से जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए, देखा था बा और अब, इसी तरह क्या है, जे से भी इसी तरह बनेगा, रे से भी, और ये इसी, इनके सारे हरूफ हैं। रंग भरिए शरारती हरूफ के स्थानों में, रंग भरने। शरारती हरूफ कौन से हैं जी? अलिफ, वाओ, दाल की फैमिली और रे की फैमिली। वाओ क्या है जी? शरारती हरूफ है तो कलर जाएगा, हे नहीं है, दाल भी शरारती हरूफ है, रे भी शरारती है और जीम और ये भी शरारती है। इसमें कौन कौन से शरारती नहीं है? वाओ, तोए, जीम। जीम देखें शरारती इसलिए नहीं है, देखें अगर हमने लिखना है जब जीम स्टार्ट में आया है तब भी वो बे के साथ जुड़ गया, बन गया जब। अगर बी जीम एंड में आया, बे पहले आया है तो बे क्या बन जाएगा? बज, जब, बज। जीम मतलब के शरारती नहीं है, नीचे वाली लाइन में से आपने खुद से करनी है। एक लाइन के शरारती हरूफ मैंने आपको बता दी, दूसरे आपने खुद से यही करने हैं। आपका होम टास्क क्या होगा कि पेज नंबर जो 6 है इस पे आपने शरारती हरूफ याद भी करने हैं और इसमें से कलर भी करना है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे अगेन मिलूंगी, तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।